नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंजीनियर सत्या में। बेसिक क्वेश्चंस का ये पार्ट नंबर 8 है। 1 से लेकर 7 तक हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, उनको देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाएं और विजिट करें। और तथा इसकी PDF पाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है हमने वेबसाइट की, उस पर जाकर क्लिक करके इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ हुक। तो जो हुक होते हैं, जिस इनकी लेंथ मिनिमम क्या रखी जाती है, वो रखी जाती है हमारी 75 mm। जो स्ट्रिप्स होते हैं उनमें हुक प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी मिनिमम लेंथ 75 mm रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच डेवलपमेंट लेंथ डिपेंड। तो जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे भी डिपेंड करता है और ग्रेड ऑफ स्टील पे भी हमारा डेवलपमेंट लेंथ डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्रॉग इन ब्रिक्स। तो जो हम ब्रिक्स में दिल्ला जैसे बोलते हैं हिंदी में, फ्रॉग जो दे प्रोवाइड कराते हैं वो क्यों करते हैं, उसका क्या पर्पज रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट हेल्प इन डेवलपिंग प्रॉपर जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार। तो जो हमारी मोर्टार और ब्रिक है उसके बीच में प्रॉपर जॉइंट डेवलप करने के लिए हम फ्रॉग को उसमें देते हैं, ब्रिक में प्रोवाइड कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच स्टील इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेल्स। तो जो रेल्स बनाने के लिए कौन सी हमारी स्टील यूज की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज स्टील। जो मैग्नीज स्टील होती है वो हमारी रेल्स बनाने के लिए उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सीमेंट इज प्रेफरेबल इन सी वाटर कंस्ट्रक्शन। तो जो सी वाटर कंस्ट्रक्शन है उसके लिए कौन सा सीमेंट हम यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लैग और पोजोलाना, PSC और PPC, यानी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट या पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट PPC एज पर IS 456/2000 क्लॉज नंबर 8.2.8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से व्हाट शुड बी द pH ऑफ वाटर यूज्ड इन कंक्रीट। तो जो हमारी कंक्रीट होती है उसमें जो पानी यूज किया जाता है उसका pH मान कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा एज पर IS 456/2000 क्लॉज नंबर 5.4.2 pH ऑफ वाटर शैल बी नॉट लेस देन 6। तो जो हमारा पानी है कंक्रीट में यूज होने वाला, उसका जो pH वैल्यू है वो 6 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाउ टू कन्वर्ट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टू किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में परिवर्तन करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय 10.197। तो 10.197 से गुणा कर देंगे तो हमारा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द मिनिमम लैप लेंथ टेकन इन कंप्रेशन जोन। तो जो हमारा कंक्रीट में दो जोन होते हैं, कंप्रेशन जोन एंड टेंशन जोन। जो टेंशन जोन होता है, टेंशन जोन होता है उसमें मैक्सिमम हम सरिया प्रोवाइड कराते हैं, कंप्रेसिव जोन है उसमें कंक्रीट हमारी स्ट्रेंथ वो उसको बहन कर लेती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एज पर IS 456/2000 क्लॉज नंबर 26.2.5.1 डी द लैप लेंथ इन कंप्रेशन सेल नॉट बी लेस देन 24 डी वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ बार। तो मतलब जो लैप लेंथ है वो 24 डी से कम नहीं होनी चाहिए कंप्रेशन जोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हेन बार्स ऑफ टू डिफरेंट डायमीटर आर टू बी लैप्ड द लैप लेंथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेज डाया। तो जो हम बीम या कॉलम में जो हम सरिया प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या हम ओवरलैप करते हैं, तो उसमें जो ओवरलैप करते हैं उसकी लैप लेंथ जो होती है, अगर उसमें अगर हम डिफरेंट सरिया यूज कर रहे हैं, अगर नीचे 16 की है ऊपर हम 12 यूज कर रहे हैं या नीचे 20 की ऊपर 16 यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो लैप लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं तो वो किसकी बेसिस पे ज्ञात करते हैं। जैसे अगर हमारा जो डाया है लैप लेंथ है वो अगर 30 डी है या 40 डी है, तो वो हम कौन सा डी लगाएंगे, मिनिमम डाया वाली बार का या फिर मैक्सिमम वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा एज पर IS 456
2000 क्लॉज 26.2.5.1E द लैप लेंथ शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ द स्मॉलर बार। तो जो हमारी मिनिमम बार रहेगी जिसका कम डाया रहेगा स्मॉलर बार रहेगी उसी के अनुसार हम उसकी लैप लेंथ ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है और ये लास्ट क्वेश्चन है व्हेन वी विल प्रोवाइड साइड फेस रीइंफोर्समेंट इन बीम। तो जो हम बीम प्रोवाइड करते हैं उनमें साइड रीइंफोर्समेंट कब प्रोवाइड करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा एज पर IS 456/2000 क्लॉज नंबर 26.5.1.3 व्हेन द डेप्थ ऑफ द वेब इन ए बीम एक्सीड 750 mm यानी 750 mm साइड फेस रीइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइड अलोंग द टू फेसेस। तो जब हमारी जो बीम है उसकी डेप्थ 750 mm से ज़्यादा हो जाएगी तो हम बीम में साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और दी गई वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करें या हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर हमको फॉलो कर वहां से भी PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।